दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एम के मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं, दोस्तों वंदन करता हूं। और आज हम लोग थोड़ा सा कुछ एवियन के विषय पर डिस्कस करेंगे कि अगर आपको ये पता लग जाए कि हम लोग एवियन नाम की बीमारी से ग्रस्त हैं तो हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस अपने घर पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग मॉर्निंग में उठे और 2 ग्लास पानी गर्म करके सिप करके, मतलब चाय की तरह उसको आप पिए, उसके बाद ही अपना आप डेली रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहें ताकि आपका मूवमेंट लॉक ना हो, और इतनी भी ना करें कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाए, मतलब आपका पेन हल्का सा बढ़े। तो आप लोग नॉर्मल एक्सरसाइज करें। नाश्ते में आप लोग तीखा, खट्टा, मसाला, नॉनवेज और बहुत ज्यादा तली भुनी चीजों का प्रयोग न करें, और गुटखा, पान, मसाला, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या वाइन का प्रयोग तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि इससे आपकी तकलीफ बढ़नी ही बढ़नी है। चावल का प्रयोग सबसे कम करें, और हम तो कहेंगे कि आप लोग चावल को ना ही छुए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और बाकी कभी कभार आप लोग ले सकते हैं। कोई भी वजन चीज आप लोग ना उठाएं जिससे आपका पेन बढ़े, और कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी तकलीफ बढ़ जाए। एक्सरे कराएं, एमआरआई करवाएं, और बाकी आप लोग जो है अपने नजदीकी किसी अच्छे डॉक्टर से मिल करके इलाज भी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों एवियन इज ए वास्ट डिसीज, थोड़ा सा बड़ी बीमारी है और टाइम टेकिंग होता है, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग ठीक हो जाते हैं। और हमारे पास तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आज नॉर्मल ढंग से सारा काम करते हैं, और ही हैज नो पेन नो लिम्बिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिसिन क्लोज होने के बाद भी उनको तकलीफ नहीं होती है। बाकी दोस्तों जहां भी आप लोग रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों।